बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से आलिया ने की साउथ फिल्म एंट्री, कितना सफल होगी उनकी ये फिल्म? क्या रामचरण को एक साथ दो फिल्मों पर काम करना पड़ गया महंगा? निर्देशक ने दे दी सख्त हिदायत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। अगर बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म विवाद का सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वह है आलिया भट्ट। लेकिन उनके बारे में इस बात को तो कोई नहीं नजरअंदाज कर सकता कि वो भले ही नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड में आई हों, लेकिन यहाँ जगह उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बनाई है। लेकिन फिर भी जब नेपोटिज्म की बात सामने आई है तो सभी इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और लोगों के गुस्से और नाराजगी का शिकार अभिनेत्री की फिल्म सड़क 2 को होना पड़ा, जिसके ट्रेलर को लोगों ने इतना डिसलाइक किया कि वो अब तक की सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो बन गई। जहां बॉलीवुड में आलिया की दाल नहीं गल पाई, तो आइए देखते हैं उन्होंने कैसे अपने करियर को ट्रैक पर लाने की तैयारी की। ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है कि आलिया बाहुबली फिल्म के निर्देशक SS राजामौली के साथ फिल्म RRR पर काम कर रही हैं और वो इस फिल्म पर अहम हिस्सा बनी हुई हैं। वैसे तो निर्देशक ने उनकी दुनिया भर में ऐसी इमेज बनाई है कि उनके साथ हर कोई फिल्म करना चाहता है, और अगर वो किसी को खुद से ऑफर दे दे तो उनके पास तो मना करने की कोई वजह ही नहीं होगी। निर्देशक ने आलिया को अपनी फिल्म में सीता नाम के किरदार की जिम्मेदारी दी और आलिया ने मना नहीं किया। इसकी एक वजह तो ये है कि अभिनेत्री निर्देशक के साथ काम करना चाहती थी और बॉलीवुड में चल रहे विवादों से दूर रहना चाह रही थी। दूसरी वजह तो आपको पता ही होगा कि नेपोटिज्म विवाद की वजह से उनको कितना कुछ झेलना पड़ा और कितना ट्रॉल होना पड़ा। इसीलिए शायद अभिनेत्री साउथ फिल्म में अपनी दोगुनी मेहनत से फिर से फैंस का दिल जीतना चाहती हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी मुसीबत अभी रुकने का नाम ले रही है, क्योंकि अभी नई खबरों की माने तो आलिया भट्ट और उनकी दूसरी फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली पर लीगल केस कर दिया गया है। इसकी वजह से है उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जो मेकिंग में थी। गंगूबाई के बेटे ने उन दोनों पर यह कहकर केस कर दिया कि जिस नॉवल की कहानी पर आधारित वो फिल्में बना रहे हैं उसमें उनकी माँ के बारे में कई विवादित बातें हैं जो सच नहीं है। अब देखते हैं वो दोनों इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं। इन मुसीबतों को देख आलिया भी अपना एस्केप प्लान कर रही है। ऐसा लगता है वो कुछ समय के लिए बॉलीवुड से ब्रेक ले लेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने आने वाले साल में रणबीर कपूर के साथ अपनी शादी की भी अनाउंसमेंट की है। अब देखते हैं ये बातें कहाँ तक आगे बढ़ पाती हैं। अभिनेता रामचरण, जो फिल्म RRR के साथ लीड किरदार में हैं, उनकी वजह से फिल्म के निर्देशक को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सेट पर उनका लेट आना, गैर मौजूदगी और उनके प्रोजेक्ट के साथ दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना, उनको इन बातों से काफी परेशानी हुई। दरअसल रामचरण RRR के साथ अपने पिता की फिल्म आचार्य पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से निर्देशक को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फिर से रामचरण ने उनकी फिल्म के लिए दिक्कतें करना शुरू कर दिया। निर्देशक ने उनको सख्त हिदायत दे दी और कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, पहले उनके प्रोजेक्ट पर काम पूरा करना होगा। अब रामचरण ने इन मुसीबतों को देखते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो फिल्माचार्य में मार्च के बाद ही काम करेंगे। तो अब तो ऐसी भी खबरें हैं कि वो इस फिल्म में कैमियो नहीं, पूरा किरदार निभाते नजर आएंगे। अब देखते हैं उनकी इन दोनों फिल्मों की वजह से आगे क्या क्या मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।